स्टेट एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एचआरटीसी कंडक्टरों द्वारा भाग लिया गया। बैठक के दौरान एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन के कर्मचारियों द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु हाल में भरे जाने वाले 1000 परिचालकों को भर्ती करना है। एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष प्यारे लाल ने बताया कि परिवहन निगम द्वारा 1000 परिचालकों को भर्ती की जाना चाहिए। उनकी सरकार से मुख्य मांग है कि एचआरटीसी में उन्हीं पदों को भरा जाए जो एचआरटीसी की ट्रेनिंग कर रही है, और बाहर के किसी भी अन्य व्यक्ति को भर्ती न किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि पदों की भर्ती सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्ती की तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि चालक और परिचालक भारी संख्या में सेवानिवृत्त हो रही हैं। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि प्रबंधन द्वारा आदेश दिए गए हैं कि 10 दिन से अधिक कोई भी चालक और परिचालक छुट्टियां नहीं ले सकता। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि इसे रद्द किया जाए। हमारा आज का बैठक में 3 बिंदु विशेष रूप से रखे गए हैं, जिसमें सर्वप्रथम हाल ही में निगम प्रबंधन द्वारा 1000 पद परिचालक के भर्ती किए जा रहे हैं। बीओडी में ये फैसला लिया गया है। हम इसके बारे में ये कहना चाहेंगे कि हमारे डिपार्टमेंट के अंदर स्किल डेवलपमेंट स्कीम के तहत जो प्रशिक्षु परिचालक के पद पर रखे गए हैं, उन्हीं के बीच में से इन प्रशिक्षुओं की भर्ती हो, और साथ में जितने भी निगम के हिमाचल प्रदेश में डिपो हैं, उन डिपो को ये बराबर में 1000 पोस्टें डिवाइड कर दी जाए, या फिर इसके अलावा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इसकी भर्ती हो, क्योंकि बार बार भर्ती होने के उपरांत हमारे बेरोजगार जो प्रशिक्षु हैं वो न्यायालय में जा रहे हैं और इसके ऊपर रोक लग रही है। हम चाहते हैं कि पारदर्शी रूप से इसकी भर्ती हो, और जो ये हमारा सुझाव है इसका हम प्रबंधन और सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारे सुझाव को माना जाए, और उसके माध्यम से हमारे पास जो ऑप्शनल स्टाफ है जिसमें चालक और परिचालक वर्ग आता है वो बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और उनके पास प्रति पूरक अवकाश 200 से लेके 600 तक जमा पड़े हैं, जिनको काटने का समय नहीं मिल रहा है। वो इसलिए कि हमारे पास जो स्टाफ की शॉर्टेज चली है 2004 और 5 के बाद निगम ने परिचालकों की भर्ती नहीं की है, जिस कारण उनको ये अवकाश काटने का मौका नहीं मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो हाल ही में न्यायालय द्वारा और हमारे प्रबंधन द्वारा इसके जो आदेश पारित किए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि 10 दिन से अधिक प्रतिपूरक अवकाश कोई भी हमारा कर्मचारी साथी नहीं काट सकता, हम इसके लिए भी आग्रह करेंगे कि इस आदेश को वापिस लिया जाए।